गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। 8 नंबर प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जैसे हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ओके, एक्स ऑफ टी सिग्नल है, इसमें हमने टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई किया है। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 to infinity तक कुछ भी है, ठीक है, एन 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, -1 to the power n डी एन अपॉन डी एस एन एक्स ऑफ एस, ठीक है, टी टू द पावर एन एक्स ऑफ टी अगर रहेगा मींस डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, देन हम क्या लिखेंगे, -1 to the power n, फिर जो x ऑफ t है उसका s डोमेन में कन्वर्जन करने के बाद में उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, कितने टाइम्स, जितने यहाँ पे पावर है उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे x ऑफ t दिया हुआ है, हमारे पास x ऑफ t है e to the power minus a t u of t, ओके, तो इसका अगर x ऑफ t का x ऑफ s अगर हमें फाइंड करना है तो x ऑफ s इसका क्या आएगा, 1 upon s plus a, ओके, और इसके लिए ROC कितना आएगा, σ greater than -a, क्योंकि अब बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे कि e to the power minus a t लिखें, फिर e to the power minus σ t लिखें, फिर t कॉमन लेके -a - σ लिखें, फिर -a - σ less than 0 करेंगे, फिर सेम चीज़ वही आएगा। तो अब एक बार ये हो गया, उसके बाद डायरेक्ट पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे yt इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी फाइंड करना हो, ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है, x ऑफ t ये है हमारा, तो x ऑफ t और ये t सेम फॉर्मेट में है, यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे y ऑफ t को y ऑफ s में जब कन्वर्जन करेंगे तो y ऑफ s क्या होगा, y ऑफ s होगा पहले x ऑफ s कितना है, 1 upon s plus a है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 to the power n लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, n की वैल्यू 1, डी बाई डी एस एन की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, x ऑफ s लिखेंगे तो यहाँ पे x ऑफ s लिखेंगे, ठीक है। जब भी t इंटू x ऑफ t फॉर्मेट रहेगा तो क्या लिखेंगे, -1 to the power n, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितने टाइम्स, जो पावर यहाँ पे दी हुई है सेम टाइम करेंगे, ठीक है। तो ये y ऑफ s क्या हो गया, -1 to the power n, उसके बाद n यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जितना यहाँ पे दिया है उतने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, एक दिया हुआ है तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, x ऑफ s को, x ऑफ s हमने फाइंड किया है 1 upon s plus a, तो ये तो हमारा हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 upon s plus a का होल स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 upon s plus a का होल स्क्वायर। और अभी भी यहाँ पे सिग्मा जब ROC फाइंड करेंगे तो ROC सिग्मा क्या आएगा, greater than -a, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी भी अगर निकालेंगे ROC तब भी सेम ही आएगा, यहाँ से निकाल के देख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी में भी हमारा ROC क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये x ऑफ t एक कोई सिग्नल था, फिर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ किए डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या होता है, x ऑफ t जो भी दिया हुआ है उसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे, t हो सकता है t स्क्वायर, t क्यूब, t पावर 4, t पावर 5, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट t टाइम्स होना चाहिए, तो t टाइम्स यहाँ पे है, x ऑफ t है ये और t टाइम्स है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे
और डिफरेंशिएशन करेंगे, जितना पावर यहाँ दिया होगा उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। और आरओसी चेक करना है तो आरओसी यहाँ से चेक कर लेंगे, इसकी आरओसी यहाँ से चेक करेंगे, इसकी आरओसी यहाँ से चेक करेंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, सेम ही आएंगे, क्लियर है। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी। नाइन नंबर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी में क्या करें, जैसे कि हमारे पास सिग्नल है टाइम डोमेन में x ऑफ t, x ऑफ t का x ऑफ t को अगर हम t से डिवाइड कर दें टाइम डोमेन में, तो ये हमारा s डोमेन में इंटीग्रेशन हो जाता है s टू इन्फिनिटी x ऑफ s d ऑफ s। x ऑफ t कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में, तो उसमें हम t से अगर डिवाइड कर दें तो उसको अगर हम s डोमेन में लिखना चाहें तो वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है s टू इन्फिनिटी x ऑफ s ds। जैसे एग्जांपल के थ्रू करते हैं, यहाँ पे f ऑफ t हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस e टू द पावर t डिवाइडेड बाई टी यू टी, ठीक है, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है, एफ ऑफ एस फाइंड करना है, तो एफ ऑफ टी दिया हुआ है, एफ ऑफ एस फाइंड करने के लिए वही करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके लिए एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको एक्स ऑफ टी कर देंगे, ठीक है, इसको अगर हम लिख दें x ऑफ t 1 माइनस e टू पावर t यू टी को, ठीक है, x ऑफ t इसको कर दें, तो इसके लिए x ऑफ s क्या हो जाएगा, इसके लिए x ऑफ s हो जाएगा 1 का क्या होता है 1 बाई s, ठीक है, e टू पावर t का क्या होगा माइनस 1 अपॉन s माइनस 1, क्योंकि यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, e टू द पावर ए टी के फॉर्मेट है, ए की जगह 1 है तो इसलिए यहाँ 1 रख दिए, ठीक है, तो x ऑफ s हमें फाइंड हो गया। अब x ऑफ t है, ओके, और यहाँ t से डिवाइड करना है, तो ये x ऑफ t है टोटल, यहाँ t से डिवाइड करना है, तो x ऑफ t डिवाइडेड बाई t, तो ये डिवाइडेड बाई जैसे ही टी करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक्स ऑफ एस का इंटीग्रेशन करना है। एक्स ऑफ एस हमारे पास यहाँ पहले से हमने निकाल लिया है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे एस टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एस, ये हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया डी ऑफ एस, ठीक है, एक्स ऑफ एस डी ऑफ एस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 बाई एस का क्या होता है लॉग एस होता है, ठीक है, माइनस 1 बाई एस के फॉर्मेट में है तो ये भी क्या होगा लॉग एस माइनस 1 एस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट हम पुट करेंगे, ओके, गर्मी इतनी ज़्यादा है, टोटल पसीने हो रहे हैं ये सारे, इतने फैन भी ऑफ है एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं इसलिए लिख नहीं हो रहा है सही से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब x ऑफ t बाई t है, x ऑफ t बाई t, इसी को हम एफ टी कहते हैं, कहेंगे ना, तो इसी को हम कह देंगे f ऑफ t, ठीक है, तो f ऑफ t क्या है हमारा, x ऑफ t डिवाइडेड बाई t, ओके। अब इसको हम, इसको क्या लिख सकते हैं, log s माइनस log s माइनस 1, तो log s log माइनस log होता है तो क्या करते हैं उसको डिवाइड नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log s अपॉन s माइनस 1 s टू इन्फिनिटी
अब लॉग बाहर ले लेंगे और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू, सबसे पहले कौन सी पुट करेंगे, इन्फिनिटी के लिए s अपॉन s माइनस वन, फिर माइनस में लॉग, फिर ज़ीरो के लिए पुट करेंगे तो s अपॉन s माइनस वन, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करेंगे फिर s के लिए पुट करेंगे, s टू इन्फिनिटी है ना, तो s टू इन्फिनिटी है तो पहले इन्फिनिटी के लिए s टेंड्स टू इन्फिनिटी किया और फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया s के लिए। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू होगी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगी, जब s टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसको क्या करेंगे, s यहाँ से कॉमन लेंगे, s यहाँ से कॉमन लेंगे, कैंसिल करा देंगे तो वन अपॉन वन माइनस वन बाई s होगा। अब s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और वन बचेगा टोटल यहाँ पे, तो log वन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो माइनस log s अपॉन s माइनस वन, ठीक है, तो ये माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा log s माइनस वन बाई s, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ पावर में इस तरीके से आ जाता है, जो भी यहाँ पे आगे होता है वो पावर में आ जाता है, पावर में माइनस वन है तो इसका मतलब ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारा log s माइनस वन बाई s आ गया, ठीक है। तो इसमें हमेशा जब भी x ऑफ t कोई सिग्नल दिया होगा और डिवाइडेड बाई t दिया है, उसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन हमें करना है s टू इन्फिनिटी x ऑफ s dA, ठीक है, ds। तो x ऑफ t पहले हम फाइंड कर लेंगे, x ऑफ t का x ऑफ s फाइंड कर लेंगे, फिर t से डिवाइड करने का मतलब, t से डिवाइड करने का मतलब जो x ऑफ s है उसी का इंटीग्रेशन करना है s टू इन्फिनिटी फिर ds, फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है जो कि हमें आता है तो आसानी से हम कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।